In the similar way, we will use this midpoint to find another three equations. So 0, 4, minus 2 is equal to x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, z2 plus z3 upon 2. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इक्वेट करोगे तो आपके पास इक्वेशन मिलेगी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज 0, नेक्स्ट y2 प्लस y3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8, एंड z2 प्लस z3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4. सो मार्क दिस इक्वेशंस 4, 5 एंड 6. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मिड पॉइंट इज 2, 3 एंड 4. This is between AC, so this will be equal to x3 plus x1 upon 2, x3 plus x1 upon 2, y3 plus y1 upon 2, and z3 plus z1 upon 2. ठीक है, तो इक्वेट करोगे तो आपके पास तीन इक्वेशंस और मिलेंगी, 4 y3 plus y1 is equal to 6, and z3 plus z1 will be equal to 8. Mark this equation number 7, 8 and 9. ठीक है, तो बेटा आपके पास required 9 equations आ गई हैं. ठीक है, अब ये तीन अब इनको यूज़ करके, 9 equations को यूज़ करके हमें इनकी values find करनी है जो हमारे पास वेरिएबल है. तो x वाले equations देखो कौन सी है, एक 1, 4 and 7. तो पहले हम 1, 4 और 7 को यूज़ करके, तीन इक्वेशन को यूज़ करके x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो आप चीज़ एक चीज़ कॉमन देखो, यहाँ पे x1, x2 है, यहाँ पे x2, x3 है, और यहाँ पे x3, x1 है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें तीनों ही हों, x1, x2, x3. ठीक है, सो वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1, 4 एंड 7. तो ऐड करेंगे तो x1 टू टाइम्स, x2 टू टाइम्स एंड x3 भी 2 टाइम्स आ जाएगा. ठीक है, जैसे x1 प्लस x1 2x1, x3 प्लस x3 2x3, x2 प्लस x2 2x2. ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमें. सो 2 प्लस 0 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3. मार्क दिस इक्वेशन नंबर 10. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आ गया x1, x2, x3. अगर मैं इस इक्वेशन में से x1 प्लस x2 को माइनस कर दूँ तो वो कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 1 में. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 10 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करूँगा तो x1, x2 कट जाएगा, हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 10 माइनस इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा सिर्फ x3, x1, x2 कट जाएगा. सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है 2, सो 3 माइनस 2 इज़ 1. ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 10 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करो, सॉरी इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, सो फोर्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x2, x3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x1. सो x1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 0 दैट इज 3. ठीक है, यहाँ पे 0 था. अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7 को माइनस कर दो, x3 और x1 कट जाएगा. इक्वेशन नंबर 10 माइनस इक्वेशन नंबर 7, सो वी विल गेट x2 दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 1. ठीक है, सो x1, x2, x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है, x1, x2, x3. नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब y वाली इक्वेशंस लेनी है. ठीक है, एक ये इक्वेशन है 2, 5 एंड 8, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे एक्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया था. तो ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 8. तो ऐड करेंगे वी विल गेट 2 टाइम्स वाई वन, वाई टू प्लस वाई थ्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6. ठीक है, सो 10.